सो वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं DLED से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से KVS डीट प्रेस भी हर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, तो पहली लिस्ट जो है वो DLED की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसके 10 तारीख तक लास्ट डेट थी उसके एडमिशन की। उसके बाद सुबह मैंने वीडियो डाली है जिसमें सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देखिएगा। सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की डेट 12 से लेकर 14 तक है। अगर आपको ये मतलब लिस्ट डायरेक्ट देखनी है तो मेरे टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के लिंक पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये PDF सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की प्रॉपर PDF आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे जो है वो आप लोग अपना उस लिस्ट में नाम देख सकते हैं। अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आपको मेरे इसी वीडियो के नीचे, इसी जो ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ यही वीडियो के नीचे, आपको कमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मैंने सब कुछ बताया है ऑफिशियली, जो देख के बताया मैंने सब कुछ, कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3600 रुपीज़ लेके जाना है, इसके अलावा 10th 12th डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल लेके जाना है या फिर फोटो कापी लेके जाना है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा और आप रेडी टू गो हो, आप जाइए। आपके पास सिर्फ 14 तारीख तक का टाइम है, 14 तारीख को 5 बजे से पहले आप लोग अपने अलॉटेड डेट पर जाके अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स डालते हो ना तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, वो चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर, मतलब आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना है। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी अलॉटमेंट लेटर कहाँ से करना है, कहाँ से करना है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के बता दिया जाए, क्योंकि मैंने उन लोगों को तो टाइप करके बता दिया था मैंने, बट आप लोगों को अब मैं सबको टाइप करूँगी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। तो वीडियो में देखो अलॉटमेंट लेटर के क्या करना है आपको, ये लिंक है, लिंक का जो ये जो लिंक है ना SCERT की, आपको SCERT.com पे जाना है एंड ये लिंक ओपन करना है। इतनी मेहनत नहीं करनी, तो कमेंट सेक्शन पे SCERT का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर SCERT काउंसलिंग राउंड, नहीं एक सेकेंड ये नहीं है, हाँ तो यहीं पे आपको अप्लाई काउंसलिंग राउंड करके मिल जाएगा। इस पर जो है आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपको DPSC के लिए करना है तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आपको DLED के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल DLED के लिए करना है तो आप ये कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग राउंड लिखा है इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत होना। अगर आपको अपना अलॉटमेंट लेटर चाहिए तो आपको इस काउंसलिंग राउंड वाली लिंक पे ही क्लिक करना पड़ेगा, DLED के लिए DLED वाली लिंक पे, DPSC के लिए DPSC वाली लिंक पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो 2033 करके होगा वो डालना है पूरा, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी आपको रखा होगा पासवर्ड वो डालना है, एंड ये सिक्योरिटी पिन U6M151 करके ये डालना है। एंड जैसे ही आप ये डाल देंगे उसके बाद आपको अपना साइन इन करना है, साइन इन करते ही आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और वो अलॉटमेंट लेटर की फोटो कॉपी करवा के आपको अपने साथ लेके जाना है अपने अलॉटेड डाइट पे। अब इस अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया तो निराश मत होइएगा, नेक्स्ट लिस्ट का वेट कीजिए, मैं चैनल पे आप कनेक्टेड रहिए, जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आएगी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। और अगर उस लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा तो हम काउंसलिंग राउंड पर ट्राई करेंगे, आप बस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।